प्रो करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। और पीएम मोदी के महाराष्ट्र तेलंगाना दौरे से जुड़ी हुई है बड़ी जानकारी। इस वक्त महाराष्ट्र के नंदुरबार में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। तो वही सुबह 11:30 बजे जनसभा का कार्यक्रम रहेगा। तेलंगाना के महबूब नगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। दोपहर के 3:15 बजे महबूब नगर में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। शाम के 5:30 बजे हैदराबाद में करेंगे पीएम मोदी जनसभा। तो पीएम मोदी का तेलंगाना दौरा, अभी देखिए हाल ही में भी तेलंगाना पहुंचे और एक बार फिर से तेलंगाना पहुंच रहे हैं। महबूब नगर में आज पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो पीएम मोदी महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनावी दौरे, जिनमें चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, जनसभा करते हुए नजर आएंगे। 11:30 पर जनसभा को संबोधित करेंगे सुबह के। तेलंगाना के महबूब नगर में भी पीएम मोदी की जनसभा होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त। दोपहर के 3:15 बजे महबूब नगर में पीएम मोदी की जनसभा होगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। महाराष्ट्र और तेलंगाना में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो पीएम मोदी का दौरा, और उस बीच गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे झारखंड खूंटी में। गृहमंत्री अमित शाह की होगी जनसभा। सुबह 10:00 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। तो देखिए बीजेपी के तमाम दिग्गज और अन्य पार्टियों के भी तमाम दिग्गज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच खुद पीएम मोदी महाराष्ट्र तेलंगाना में रहेंगे, तो वहीं खूंटी में जनसभा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा, गृहमंत्री अमित शाह झारखंड दौरे पर और खूंटी में गृहमंत्री अमित शाह की जनसभा होगी। तो गृहमंत्री अमित शाह आज खूंटी में रहेंगे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले दौर में 4 सीटों पर मतदान होगा, और ऐसे में देखिए झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले दौर में 4 सीटें, जिनमें पलामू है, लोहरदगा है, खूंटी है, चाईबासा है। और आपने पिछले कुछ दिनों में पलामू, लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा में पीएम मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह की कई चुनावी जनसभाएं देखी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खूंटी में अर्जुन मुंडा के लिए सभा कर रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चाईबासा, खूंटी और लोहरदगा में चुनाव प्रचार करेंगे। तो झारखंड में पहले चरण की 4 सीटों में अब जो वोटिंग होने वाली है उसको लेकर तमाम कवायदे नजर आ रही हैं बीजेपी की ओर से। इस बीच अखिलेश और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा आज होगी कन्नौज और कानपुर में। राहुल अखिलेश करेंगे जनसभा। दोपहर के 12:15 बजे कन्नौज में संयुक्त जनसभा होगी। दोपहर 2:40 पर कानपुर में करेंगे संयुक्त जनसभा। तो देखिए खुद अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में है, और दोपहर के 12:15 बजे कन्नौज में संयुक्त जनसभा होगी। तो राहुल और अखिलेश आज साथ नजर आने वाले हैं। दोनों की संयुक्त ये संयुक्त जनसभा होगी, यानी दोनों मंच पर नजर आने वाले हैं। राहुल अखिलेश आज साथ साथ नजर आएंगे कन्नौज में, जहां से खुद अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, और इस बीच कन्नौज में चढ़ेगा सियासी पारा। इससे पहले भी आपने देखा रोड शो राहुल अखिलेश का, और अब आज जनसभा, अखिलेश राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा। तो इसको लेकर तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी, और आज एक बार फिर से राहुल अखिलेश साथ साथ नजर आएंगे। इससे पहले की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, और चलिए आगे बढ़ते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। वो कह रहे हैं भारत ये ना भूले कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम, पाकिस्तान के पास परमाणु बम इसलिए सम्मान करे, बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। एक बार फिर से इन बातों को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह के बयान को लेकर फजीहत हो चुकी है, और फिर से इस तरह का कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर का। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए भारत को, और बातचीत के जरिए ही मामला सुलझेगा। भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, भारत ये ना भूले कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। तो देखिए मणिशंकर अय्यर का कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जाहिर तौर पर इस मामले को लेकर भी कोरी फजीहत हो रही है, और एक बार फिर से उनका ये पाकिस्तानी प्रेम नजर आया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला संभव है। सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर भी सुनवाई।
गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई होगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिए 50वां नंबर लगा है मामले का। तो देखिए, आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई होगी। आज तस्वीर क्लियर होगी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या फिर नहीं। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज फैसला होगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, आज एक बार फिर से मामला लिस्टेड हुआ है, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को लेकर पिक्चर आज क्लियर होने की उम्मीद है। पूजा, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान ये साफ किया था कि हम शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकते हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। चूंकि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली जो याचिका है वो आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। 50 नंबर ये केस लिस्ट किया गया है, इसके तहत करीब करीब दोपहर के आसपास ये मामला सुनवाई के लिए आएगा, यानी कि 12-1 बजे के आसपास यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसी दौरान ये तय करेगा कि क्या अंतरिम जमानत पीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के आधार पर दी जाए या नहीं। इसी बीच कल ईडी ने एक हलफनामा दाखिल किया था और जमानत का कड़ा विरोध यहां ईडी की ओर से किया गया था और कहा गया था कि चुनाव के आधार पर जमानत जो है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इस लिहाज से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत ना दी जाए। अगर अंतरिम जमानत दी जाएगी अरविंद केजरीवाल को तो एक गलत प्रेसिडेंट जो है वो सेट होगा और इसी आधार पर बाकी जो आरोपी हैं वो जमानत की मांग करने लगेंगे, जो कि सही नहीं होगा। तो यहाँ ईडी ने अंतरिम जमानत का विरोध किया है। ईडी के हलफनामा दाखिल करने के बाद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक शिकायत दर्ज कराई गई है और कहा गया है कि ईडी ने जो हलफनामा दाखिल किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ईडी ने हलफनामा दाखिल किया है, यह एक कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसे में जब सुनवाई पूरी हो गई है अंतरिम जमानत पर तो हलफनामा दाखिल करने का कोई आधार नहीं बनता है, लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि ईडी के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट कंसीडर ना करे। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है, 50 नंबर केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है तो 12 बजे के बाद यह मामला सुनवाई के लिए आएगा। उसी वक्त जब गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है और ये तय कर सकता है कि क्या लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कैंपेनिंग करेंगे या नहीं, या सुप्रीम कोर्ट आज अपने अंतरिम जमानत देगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आज तय कर सकता है। पूजा, अच्छा खबर ये भी कि इस बीच एक नई मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है कि ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी, इसका क्या असर पड़ सकता है? ईडी की ओर से जो है एक चार्जशीट जो है वो दाखिल की जा सकती है आज राव जवनी कोर्ट में, क्योंकि शराब घोटाले में जिसका जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इसमें कई चार्जशीट दाखिल हो चुकी हैं कई आरोपियों के खिलाफ, तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें ईडी की ओर से दायर की जाएगी और इसमें आरोपी सीएम केजरीवाल को बनाया जाएगा। यहां तक जो ईडी के जो टॉप सोर्सेज जो बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को बतौर आरोपी ईडी बनाएगी और साथ साथ किंग पिंग यानी कि सरगना और मुख्य साजिशकर्ता जो है वो बाकायदा ईडी अपनी चार्जशीट में सीएम केजरीवाल को दर्ज कर रखा है। तो बहरहाल ईडी की ओर से अगर चार्जशीट इस पूरे मामले में दाखिल अगर की जाती है तो उससे अंतरिम जमानत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अंतरिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अंतरिम जमानत हम सिर्फ लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए हम देना चाहते हैं, ये पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और जस्टिस दीपांकर दत्ता जो दूसरे जज हैं उन्होंने कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव नहीं होता तो अंतरिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट को आज देखना है कि क्या लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट आज तय कर सकता है। पूजा, सुमित आपके पास वापस लौट रही हूँ बाकी और अपडेट्स के लिए, लेकिन इस बीच देखिए दिल्ली शराब घोटाला मामले में ही अरविंद केजरीवाल से लेकर के कविता, यहाँ तक कि आपने देखा कि मनीष सिसोदिया, तमाम नेता फंसे हुए हैं। और बात अगर के कविता की जाए तो जमानत के लिए बीआरएस नेता के कविता पहुंची है दिल्ली हाईकोर्ट। के कविता ने हाईकोर्ट में दायर की है जमानत याचिका। के कविता की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। के कविता ने राव जवानी कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाल ही में राव जवानी कोर्ट ने उनकी
जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। देखिए दिल्ली शराब नीति घोटाले में जमानत के लिए के कविता पहुंच गई है हाईकोर्ट, सुनवाई आज और ट्रायल कोर्ट ईडी सीबीआई केस में राहत देने की अपील पहले ही खारिज कर चुका है। तो यहां देखिए के कविता को हाईकोर्ट से अब उम्मीद है। बीआरएस नेता के कविता ने दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी सीबीआई के केस में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की और मामले की सुनवाई आज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच करेगी। उनके वकील मोहित राव और दीपक नागर कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे। हालांकि 6 मई को ही ट्रायल कोर्ट राउज एवेन्यू ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा था कि उन्हें राहत देने के लिए ये समय सही नहीं है। याचिका में कविता ने कहा कि वो दो बच्चों की मां है, उनमें से एक नाबालिग है जो उनकी गिरफ्तारी के कारण फिलहाल सदमे में है और डॉक्टर्स की देखरेख में है। सुमित का एक बार फिर से रुक करते हुए, सुमित इस पर भी ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, जो भी आधार यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में की कविता की ओर से दी गई है, ये तमाम आधारों को राउज एवेन्यू कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। हाल ही में सीबीआई और ईडी केस में की कविता की ओर से नियमित जमानत दायर की गई थी, जो कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि एक प्रभावशाली राजनेता है की कविता, अगर वो जेल से बाहर आएंगी तो सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। चूंकि इस पूरे मामले में ट्रायल चलना है, अगर वो जेल से बाहर आती हैं तो पूरे ट्रायल पर इसका असर पड़ सकता है। यही आधार था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत जो है वो खारिज कर दी थी। अब इस फैसले को, यानी कि निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच में यह मामला लगा हुआ है। ये वही जज हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और केजरीवाल को राहत नहीं दी थी और उन्होंने कई ऐसे ऑब्जर्वेशन दिए थे कि केजरीवाल का जो मुकदमा है वो केंद्र सरकार बनाम नहीं है बल्कि ईडी बनाम है। तो ऐसे तमाम सख्ती के बाद सीएम केजरीवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो उम्मीद बेहद कम है कि के कविता को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की सिंगल बेंच से किसी भी तरह की राहत मिले, क्योंकि जमानत की यहां मांग की गई है और ऐसे में जमानत जो है वो मिलना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि दो दो केस जो है के कविता पे चल रहे हैं। ईडी अलग एफआईआर दर्ज कर रखी है और सीबीआई अलग इस मामले में जांच कर रही है, तो दो दो जांच एजेंसियों मामले में जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकती हैं। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है, तो हो सकता है कि इस पूरे मामले में दोनों जांच एजेंसियों से दिल्ली हाईकोर्ट जवाब तलब कर सकता है, यानी कि नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। बस इतना ही आज हो सकता है इस मामले में और अगली तारीख में दोनों जांच एजेंसी जब जवाब दाखिल करेंगी तब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो फिलहाल फौरी तौर पर जो राहत है ये कविता को मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पूजा, सुमित बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए और अगर सीबीआई के आरोप की बात करते हैं तो सीबीआई ने जो आरोप लगाए उनमें मार्च से मई 2021 में जब पॉलिसी बन रही थी तब अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू और बोइंग पल्ली दिल्ली में थे, विजय नायर के जरिए फायदा उठा रहे थे। कविता ने रेड्डी को दिल्ली में शराब का कारोबार करने का आश्वासन दिया था। नवंबर दिसंबर 2021 में कविता ने रेड्डी को पहले तय किए हर जोन के लिए 5 करोड़ की दर से 25 करोड़ का भुगतान करने के लिए कहा। रेड्डी के आनाकानी करने पर कविता ने उसके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। इसके अलावा जो आरोप है वो आरोप है कविता से पहले पूछताछ की गई लेकिन जांच में सामने आया कि शराब नीति घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से वो एक है। अनुचित आधार का हवाला देते हुए जांच में शामिल नहीं हुई और इसलिए उनसे पूछताछ नहीं की जा सकी। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी भूमिका के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनके जवाब बरामद दस्तावेजों के उलट है, वो उन फैक्ट्स को छुपा रही है जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में है। इससे पहले भी वो नोटिस के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुई है, ये उनके ऊपर सीबीआई ने आरोप लगाए हैं। इस बीच बात करेंगे ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले की। ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश आज, राउज एवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर सुनाएगा आदेश। एसीएमएम प्रियंका राजपूत की अदालत आज आदेश सुनाएगी। ब्रजभूषण पर 6 महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है और देखिए ब्रजभूषण के लिए अब आगे क्या होने वाला है, जाहिर तौर पर देखिए टिकट तो इस बार कट ही चुका है। अब इस बीच आप कानूनी अगर दाव पेच की बात करते हैं तो इसमें ब्रजभूषण के लिए आज क्या होने वाला है, इस पर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं क्योंकि ये मामला जाहिर तौर पर इतना ज़्यादा हाई प्रोफाइल हुआ क्योंकि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे थे वो बहुत ही गंभीर आरोप थे। ब्रजभूषण के ऊपर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है और इस बीच एसीएमएम प्रियंका राजपूत की अदालत आज इस पूरे मामले को लेकर फैसला सुनाएगी। ब्रजभूषण पर 6 महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है। ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आज ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश होंगे। और इस बीच केजरीवाल से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली है। शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट पर खुलासा, पहली बार चार्जशीट में किसी राजनीतिक पार्टी का नाम, चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी ईडी। तो देखिए ये बड़ी जानकारी इस वक्त है केजरीवाल को लेकर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त है और ये पहली बार आप केजरीवाल को लेकर ये बड़ी जानकारी, शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट पर खुलासा। और देखिए खबर ये
कि किसी राजनीतिक पार्टी का नाम इस चार्जशीट में हो सकता है और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। सुमित की तरफ रुख करते हुए, सुमित ज्यादा डिटेल्स चाहेंगे आपसे इस पर। देखिए पूजा, इसकी जो शुरुआत है वो सुप्रीम कोर्ट से होती है, जब मनीष सिसोदिया की जमानत पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा था कि जब घोटाले का पैसा आम आदमी पार्टी को पहुंचा तो ईडी ने आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया। ईडी ने जवाब दिया था कि हम आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाएंगे, क्योंकि केजरीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक है। इस लिहाज से ईडी पहली बार केजरीवाल को जब आरोपी बनाएगी तो इसके दायरे में, इसके घेरे में आम आदमी पार्टी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक सीएम केजरीवाल हैं। इस नाते जांच के दायरे में पूरी आम आदमी पार्टी आ जाएगी और ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ साथ केजरीवाल की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आपको याद है कि भ्रष्टाचार मामले की जो जांच है शराब घोटाले की, वो सबसे पहले सीबीआई कर रही है और सीबीआई की जांच के आधार पर ही मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो ईडी कर रही है। तो आप इस पूरे मसले को लेकर, अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है लेकिन अब भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई आने वाले दिनों में करेगी, तो आज चार्जशीट जो दाखिल होगी वो सीएम केजरीवाल को पहली बार आरोपी ईडी की ओर से बनाया जाएगा और राउस रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसका सीधा मतलब यही है कि जब केजरीवाल आरोपी बनेंगे तो उसके दायरे में आम आदमी पार्टी आ जाएगी, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है यानी कि कन्वीनर है। तो ये एक तरह से केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई है वो तो चली रही है, इसके साथ साथ अब सीबीआई इस मामले में एंट्री कर सकती है, सीबीआई भी केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर जब मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो तो चली रही है लेकिन सबसे जो पहली जो जांच है वो सीबीआई ने शुरू की थी। एलजी ने जब शराब घोटाले को लेकर जब सीबीआई जांच की सिफारिश जब की थी तो सीबीआई ने ही सबसे पहली एफआईआर दर्ज की थी और तब से वो जांच चल रही है, उसी आधार पर ईडी भी साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। तो आज इस पूरे मामले में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी तब देखना बेहद अहम होगा कि किन कौन कौन सी बातें जो हैं वो चार्जशीट में ईडी रखती है, क्योंकि बार बार सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ किसी भी तरह का पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन तमाम मटेरियल्स जो हैं वो ईडी ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि तमाम जो हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो हम ट्रायल कोर्ट में रखेंगे और वो वक्त आ गया है, क्योंकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने में ईडी ने कहा था कि हमारे पास तमाम वैसे सबूत हैं कि गोवा चुनाव में सीएम केजरीवाल एक 5 सितारा होटल में ठहरे थे, उसका बिल 1 लाख रुपया जो है वो अपराध की आय है। तो ये ऐसे सबूत हैं जो कि ईडी आज चार्जशीट में सबमिट कर सकती है राउस रेवेन्यू कोर्ट में, उसके बाद इस पूरे मामले में जांच के दायरे में आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, क्योंकि केजरीवाल जब आरोपी बनेंगे तो ये सीधे तौर पर जांच के दायरे में आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी, क्योंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कन्वीनर है। पूजा चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच देखिए बात होगी अब इस वक्त बाजार की। अमेरिका की S&P मार्केट में काफ़ी तेज़, US में दाऊ जोन और नेस्डेक दोनों मार्केट्स में तेज़ी। जर्मनी का कंज्यूमर डेटा काफ़ी कमज़ोर, जर्मनी के इंडस्ट्रियल गुड्स में भी काफ़ी कमी है। जर्मनी के स्लो डाउन से रिसेशन में जाने की संभावना है। देखिए रिसेशन के दौर से जो इकोनॉमी है वो ग्रो करके अब यहाँ तक सस्टेन कर रही है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं कि सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट दर्ज हो रही है, अब नुकसान भी हो रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं। इस बीच खबर ये भी है कि अमेरिका की S&P मार्केट में काफ़ी तेज़ी पकड़ रही है और US में दाऊ जोन और नेस्डेक दोनों मार्केट्स में तेजी। जर्मनी का कंज्यूमर डेटा काफी कमजोर है, जर्मनी के इंडस्ट्रियल गुड्स में भी कमी है और जर्मनी के स्लो डाउन से रिसेशन में जाने की उम्मीद है, जाने के आसार हैं। तो देखिए US में दाऊ जोन और नेस्डेक दोनों ही, यहां पर उसको लेकर भी अपडेट है, दोनों ही मार्केट्स में तेजी है। तो अमेरिका के S&P की बात करते हैं, S&P मार्केट में काफ़ी तेज़ी है लेकिन जर्मनी में जो इस वक्त स्लो डाउन है वो रिसेशन में जाने की संभावना को पैदा कर रहा है। और आकाश जी हमारे साथ में जुड़ गए अर्थशास्त्री। आकाश जी, एक तरफ अमेरिका की S&P जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, दूसरा जर्मनी का स्लो डाउन, ये दोनों किस तरीके से मार्केट को इफेक्ट कर रही हैं? ये दोनों क्लियरली बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत बढ़िया चल रही है, हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत ग्रो कर रही है ग्लोबल इकॉनमी। अभी बिल्कुल सही पूछा, अमेरिका की बात करें सबसे पहले ये है कि वहाँ लेबर मार्केट जॉब मार्केट स्लो डाउन है, जॉबलेस जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं होती
क्लेम लॉन्च करते हैं वो परे हुए हैं एक मंथ साइड में। इसका मतलब है अमेरिका जैसी इकॉनमी में भी जॉबलेसनेस बहुत है, इसकी से आपके पास में लगातार बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, टीम उसको सॉर्टेड करे, लेकिन तब तक जरा फिर से एक बार अपने दर्शकों को बता दें अगर आज के बाजार की बात करें तो उसमें देखिए जर्मनी का जो कंज्यूमर डेटा है वो काफी कमजोर हो रहा है, जर्मनी के इंडस्ट्रियल गुड्स में भी काफी कमी नजर आ रही है, जर्मनी के स्लो डाउन से रिसेशन में जाने की संभावना भी नजर आ रही है। लेकिन जैसा भी आकाश जी कह रहे थे जो अभी तक उनकी बात सुन पाया उसमें उनका कहना यह है कि फिर भी इस तरह के हालातों में भी जो भारत की इकोनॉमी है वो बेटर वे में ग्रो कर रही है, सस्टेन कर रही है और अच्छे हालात में है और उसके और अच्छे होने के ही आसार है, वो संभावना है। तो जर्मनी में भले ही इंडस्ट्रियल गुड्स में कमी हो या फिर स्लो डाउन हो रहा हो, अमेरिका के S&P में तेजी की बात हो, लेकिन इस बीच अगर इंपॉर्टेंटली भारत की बात करते हैं क्योंकि हम उस भारत में रहते हैं तो उस भारत में जो मार्केट है वो ठीक ग्रो कर रहा है।